बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। थैंक यू वेरी मच। अच्छा शॉर्टली आई विल टॉक, शॉर्टली आई विल स्पीक। अच्छा तुलसीदास जी महाराज ने क्या कहा है, काय के लिए पता है? आपके लिए नहीं, आपकी बॉडी के लिए। फॉर योर बॉडी सेंट तुलसीदास जी हैज टोल्ड दैट बड़े भाग्य, इट इज हायर फॉर्चुनेशन, हायर फॉर्चुनेटेड, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। श्रुति दुर्लभ सुर संतन गावा, श्रुति दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। इतना ग्लोरियस इज योर बॉडी, योर बॉडी इज सो ग्लोरियस दैट बड़े भाग्य मानुष तन पावा। और सुर दुर्लभ श्रुति संतन गावा, देवता भी इसकी तारीफ करते हैं, और श्रुति माने वेद भी तारीफ करते हैं, और श्रुति संतन गावा, सारे ऋषि मुनि भी इसकी तारीफ कर रहे हैं। काय की? तुम्हारी बॉडी की। ओके, श्रुति दुर्लभ श्रुति संतन गावा। और पर इसका यू पता है काय के लिए क्यों तारीफ कर रहे हैं? तुम्हारे बड़े बड़े बाल देख के नहीं, तुम्हारे बड़े बड़े नाखून देख के नहीं, तुम्हारे मोती जैसे दांत देख के नहीं, कोलगेट से घिसे हुए दांत देख के नहीं, तारीफ नहीं कर रहे हैं। तारीफ काय के लिए कर रहे हैं पता है? क्योंकि उन सबको लग रहा है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। तारीफ इसलिए कर रहे हैं कौन कौन? देवता, क्योंकि देवताओं का साधन खत्म, देवताओं के लिए रेस्ट्रिक्टेड, यू कैन नॉट डू साधना। गो शेर ने कहा कि भगवान मैं, बोले तू अपना हिरण खा यार, अपना गाय बैल बछे इनको गिदड़ों को मार और खा। चींटी ने कहा कि मैं, बोले तू अपना दाना चुप। मक्खी ने कहा कि मैं साधना, बोले तू अपना पिन पिन कर ही दो उधर। तो फिर ये सौभाग्य तो ओनली एक ही जाति है उसको दूंगा, वो कौन है? वो मानुष जाति, ह्यूमन बींग, उसी को मिलेगा। तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा। श्रुति दुर्लभ सब सुर संतन गावा, पर काय के लिए गावा पता है? नॉट फॉर योर कॉस्टली जीन्स, नॉट फॉर योर कर्ली हेयर्स, नॉट फॉर योर नाइट नाइस बॉडी, नॉट फॉर योर बल्की बॉडी, नॉट फॉर योर स्ट्रेंथ। वो सिर्फ इसलिए उनको आश्चर्य लगा कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यहां तक हो गई तारीफ आपकी। अब एडिशन है, परामर्श है कि पाई ने यही परलोक संवारा, जिसको शरीर तो मिला पर उसने ही हैव नेवर यूज्ड, ही हैव नॉट प्रॉपरली यूज्ड द बॉडी। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई ने यहीं पर लोक संवारा। फिर वो क्या है उसकी, उसको क्या रिजल्ट मिलेगा, क्या फ्रूट मिलेगा, क्या सर्टिफिकेट मिलेगा? सो परत्र दुख पावई, ही हैज टू फेस प्रॉब्लम्स, वीपिंग्स, टीयर्स, ऑब्स्टेकल्स। सो परत्र दुख पावई, पक्का उसको दुख मिलेगा क्योंकि उसने प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं किया काय का, बॉडी का। सो परत दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई। एट द एंड व्हेन यमराज विल कम और एट एनी मोमेंट ऑफ द लाइफ ही अपना सिर पीटेगा, सिर धुनि धुनि पछताई, और बोलेगा कि ये तेरे कारण से मेरा ये नहीं हुआ, अरे मेरा तो ग्रह खराब थे, अरे मेरा तो टाइम खराब था, तो काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा ही। वो काल कर्म को मिथ्या दोष लगा करके अपने आप को बचना चाहेगा कि इसके कारण से मैंने मेरा साधन धाम नहीं कर पाया, पर वो उसका रिजल्ट ये मिलेगा कि सिर धुनि धुनि पछता ही। अब मेरे भाइयों, अब थोड़ा प्लेटफॉर्म पर आ जाओ, प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। दो दो आंखें तो सबकी होंगी, एवरीबडी हैज टू 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 आईज, है ना जैन साहब? ओके, तो दो आंखों से क्या करते हो, दुनिया देखते हो? गुड गुड गुड।
भाई साहब इतनी सी चिड़िया आपने देखी होगी, हरे पीले रंग की चिड़िया, एक ही ऑक्यूपेशन है बेचारी, एक ही उसमें बिजी है, वो जब गर्भवती होने वाली है, जब अंडे देने वाली है, एक एक तिनका चुन चुन के लाती, तिनका वुड बी ऑफ सो क्वालिटी दैट जो बच्चे पैदा होंगे उनको गड़े ना, इतना क्वालिटेटिव सॉफ्ट तिनका चुन चुन करके ला करके इट मेक्स ए नेस्ट, घोंसला बनाती। और जब और हाउ टाइमिंग मेंटेनेंस कि कितने दिन बाद ये अंडे निकलेंगे, उससे पहले शी प्रिपेयर घोंसला, कहाँ कौन से यूनिवर्सिटी में पढ़ी है, कौन से कॉलेज में पढ़ी है, वो पर वो इतना इंटेलेक्ट परमात्मा ने दे रखा, वो अपना घोंसला बनाती है और वो या फिर बच्चे पैदा हो जाते हैं, फिर बच्चों के लायक कीड़े, उचित कीड़े पकड़ पकड़ के लाके उनके मुंह में डालती है और वो खाती है। आँखों से अपने को ये देखना है, आँखों से अपने को मकड़ी को देखो, मकड़ी अपने आप में बिजी है, फोन बंद, कोई पैंट नहीं पहन रही है, जीन्स नहीं पहन रही है, बाल ऐसे नहीं कर रही है, भाई मैं मकड़ी हूँ, आई एम मकड़ी, करूँगी क्या, बस करना क्या है, जाले बनाओ, क्यों इसमें मच्छर फंसेगा, वो खाओ, वो शी इज एंगेज्ड विद हिज ओन ऑक्यूपेशन। शेर भाई साहब क्या कर रहे हैं, शेर भाई साहब अपनी गुफा में पड़े रहते हैं, खा पी करके दो दिन बाद चार दिन बाद जब भूख लगती है बाहर निकलते हैं, आऊँ करके कोई भेड़िया, कोई भेड़, कोई बकरी, कोई हिरण का बच्चा बच्चा जो कुछ मिला झपटा मारा खाया। आश्चर्य की बात यह है कि उनको पाप नहीं लगता, किसी को पाप नहीं लगता। तो अपन लोग देखते हैं कि भैंसा खड़ा है पानी में और दो शेर उसके ऊपर चढ़ गए हैं और वो जिंदे भैंसे को खा रहे हैं, अपन लोग सब आ आ आ तू 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 करते हैं कि शेर को बहुत पाप लगेगा, पर शेर को कोई पाप नहीं लगेगा। तो भगवान से पूछो जाके, भगवान शेर ने ऐसा हत्या की है, मर्डर किया है इसने जंगली, इसको पाप, बोलो उसको पाप, पाप के लिए, पाप पुण्य के फिर कौन, पाप पुण्य के लिए भी एक ही आदमी है, एक ही जाति है, दैट इज मानुष। क्यों, बोले भैया मानुष को एक और ताकत दी है, उसका नाम है विवेक, उसका नाम है विवेक। तो बोले विवेक, बोले इन 34 करोड़ 84 करोड़ इन जातियों को सब कुछ दिया है, बॉडी दिया है, भूख दिया है, उत्सर्जन दिया है, सोना दिया, निद्रा दी है, पर एक ही चीज नहीं दिया, विवेक। तो आदमी क्या इतना लाड़ला हो गया था आपका कि इसको विवेक दिया। हाँ मनुष्य जो है वो सबसे श्रेष्ठ था, उसको मनुष्य का बॉडी भी दिया है, शेर का, गधे का, भैंसे का, गाय का, चींटी का, मक्खी का, ये बॉडी नहीं दिया, उसको ह्यूमन बॉडी दिया है, पर साथ में विवेक और दे दिया। अब विवेक तुम लोगों ने लेकर के अच्छा किया कि बुरा किया, ज़्यादातर लोगों के लिए तो अच्छा नहीं हुआ, बुरा ही हुआ, क्योंकि उसका मतलब अब तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया। अबे भैया भाई साहब सुनो, मकड़ी मकड़ी चलेगी, मकड़ी को चलाना है, मकड़ी कैसे चलती है, मकड़ी कैसे चलती है, सिर नीचा करके चार पैर से। भैंस कैसे चलती है, सिर ऊंचा करती है क्या। गधा कैसे चलता है, हाथी कैसे चलता है, घोड़ा कैसे चलता है, सांप कैसे चलता है, मेंढक कैसे चलता है, सिर कहाँ होता है उनका, नीचे। तुम्हारा तुम्हारा सिर कहाँ होता है, ऊंचा नहीं होता है, तुम्हारा सिर समान करके दिया है, सीधा। और हाथ कितने दिए हैं, एक हाथ से कम, अब तेरे ऊपर रहे बेटा, जैसा रहना हो रह ले, पुण्य कमा ले चाहे पाप कमा ले, स्वर्ग में जा ले चाहे नरक में जा ले, भला कर ले चाहे बुरा कर ले। आपके हाथ में दोनों चीजें दे रखी हैं, तो ये विवेक की शक्ति मानव को दी है। पर भाई साहब अमित जी ये सोचे हैं कि मैंने आज तक किसी पशु को पाप करते नहीं देखा, स्वामी जी किसी मैंने गधे को
ये हेयर डिज़ाइन करते हुए या मेरी मालिश कर दे या दाढ़ी बना दे या ढंग से ये कर दे, पाप करते हुए नहीं देखा। पाप तो छोड़ो, उनका जो वो कॉस्मिकल या नेचुरल जो रिप्रोडक्शन का जो टाइम होता है, जब हार्मोन भगवान देंगे तभी वो फीमेल उसकी तरफ झांकेगा वो फोर्सली, और उसके बाद सीजन ख़त्म और वो ही डज नॉट नो एनी फीमेल और सब। और भाई साहब विचार करो कि हर हर प्राणी 84 करोड़ प्राणी इज फॉलोइंग हिज नेचुरल एंड डिसिप्लिन। एक ही प्राणी है जो बड़े भाग्य मानुष तन पावा, श्रुति दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, सारी सुविधाओं को किक कर रहा है, लात मार रहा है। नाम बता सकते हो वो कौन है? एक ही आदमी है जो कॉस्मिकल प्रिंसिपल सिखाओ, कॉस्मिकल नियमों को, नेचुरल नियमों को किक कर रहा है। भगवान को दयालु कहते हैं, पर भगवान की दया की भी एक लिमिट है यार। कब तक तुमको छोड़ेगा, कब तक तुम्हारी तुड़ाई न करेगा? तो केवल मनुष्य हर खाने में, पीने में, पहनने ओढ़ने में, अपने हेयर स्टाइल में, सेक्स में, गलत काम करने में, दूसरों का नोचने में, कब्जा छीनने में, पाप कर्म करने में, एकमात्र एक ही जाति है जो नियमों को तोड़ रही है, सियापति रामचंद्र की। बीस मिनट बार्गेनिंग।